Hello students, today we are discuss fertilization. Previous video में हमने आपको बताया था differences between spermatogenesis and oogenesis. तो fertilization हमने बताया था यानी कि male और female gametes सब आपस में मिलते हैं, तो ये process मिलने के बाद जब fuse होते हैं तो क्या कहलाते हैं, fertilization कहलाते हैं. This type से यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से होते हैं पथवे ऑफ स्पर्म एंड ओवम एंड प्लेसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का. तो यहाँ से फीमेल पार्ट से एंटर करता हुआ जो स्पर्म्स होता है वेगिना से एंटर करता हुआ कहाँ पर पहुँच जाएगा, अंदर पहुँचता है और अंदर कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के पास. यहाँ पर इसे क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा. ये कहाँ से होता है, हमारा ओवरीज से प्रोड्यूस होता है और ओवरीज से जब ओवुलेशन होता है यानी कि ओवा निकलता है, ओवम निकलता है, तो ये किसके द्वारा, एम्फूला जो होता है ये झालरनुमा एम्फूला होता है उसके द्वारा क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में रुक जाता है. तो फर्टिलाइजेशन तभी संभव है जब स्पर्म यानी कि मेल गैमेट्स यहाँ पर मिलेगा. अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अपने आप को डेस्ट्रॉय, ये क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद डेस्ट्रॉय हो जाता है. डेस्ट्रॉय होने के बाद बॉडी से ब्रीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है. तो ये जब आपस में मिलते हैं तो इस टाइप से हम देखेंगे इन डायग्राम मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में. तो फैलोपियन ट्यूब में इस प्रकार से यहाँ पर ये पड़ा हुआ है और आपका ये स्पर्म यहाँ पर मिलियंस में स्पर्म होते हैं, आते हैं एक बार में. तो ये जो सबसे पहले फर्स्टली जो इसके पास पहुँच जाएगा और इसकी बॉडी की जो आउटर सरफेस है उसमें एंटर कर जाएगा जो स्पर्म का, इसका एक्रोसोम जो होता है वो एंटर कर चुका होता है. और जैसे करेगा तो जितने भी स्पर्म हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि उसका रीज़न है ये अपने आप को कवर कर लेता है, इसके बॉडी में अंतर अपने आप को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा स्ट्रेंड्स. ठीक है, क्या कर लेगा, अपने आप को कवर कर लेगा. अब इस पर जो स्पर्म है मेल, अब इसका जो न्यूक्लियस है, अब यह एक्रोसोम आगे से खुल जाएगा और इसका जो न्यूक्लियस है अंदर पहुंच जाएगा, ये भी इसका न्यूक्लियस है और बाहर का ही बाहर जा जाता है टैल. अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मेल और फीमेल जो प्रोन्यूक्लियस है, ये आपस में मिलने के बाद क्या करेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और यही क्या कहलाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है. और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियस बन जाएगा 2x न्यूक्लियस, ये जायगोट बन जाएगा और जायगोट के द्वारा यहाँ से बनता हुआ जायगोट आगे बढ़ता हुआ कहाँ पर पहुँच जाएगा, अपने आप को डेवलप करता हुआ यूट्रस में पहुँच जाएगा. तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसी फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. तो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट स्टूडेंट्स कैसे होता है, हम बायो डायग्राम समझे यहाँ पर समझेंगे. तो जो प्रो न्यूक्लियस मूव्स करते हैं, जो ये जायगोट होता है, तो फॉर्मेशन जायगोट का बनता है जब आपके गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जब गैमेट्स यानी कि द मेल प्रो न्यूक्लियस मूव्स टुवार्ड द फीमेल प्रो न्यूक्लियस. तो द न्यूक्लियर मेंबर ऑफ बोथ न्यूक्लियाई डिसअपीयर होगी एंड द क्रोमोसोमल जो टेंट्स होते हैं गेट मिक्स हो जाएंगे इच अदर से, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, एक दूसरे से क्या हो गए, मिक्स होकर क्या बना लिया उन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट बना लिया स्ट्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट बनकर. अब हमारा नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन. अब देखो इससे पहले हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के क्या है. तो इन इट फॉर्म्स ऑफ जायगोट विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेन की किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, फर्स्ट सेल होती है जायगोट. ठीक है, जायगोट क्या होती है, फर्स्ट सेल होती है किसी भी ऑर्गन को बनने में. ठीक है, साथ साथ में इट री एस्टेबलाइज होते हैं द नॉर्मल डिप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर ऑफ द ऑर्गन. इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल एंड दस इट्स ब्रिंग द फीचर्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन टू वन ऑर्गन. ओके स्टैंड, फर्टिलाइजेशन हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. अब ये कहता है डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन हेल्प करता है किसमें, डिटर्मिनेशन में और सेक्स में, लिंग निर्धारण में हेल्प करता है. अब इसी से नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. तो सेक्स डिटर्मिनेशन में यानी कि ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल, अब हमें पता है 46 क्या होते हैं, हमारे
क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग के अंदर, कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी कि पेयर की बात करें तो कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। अब 23 पेयर्स में क्या होता है? 22 पेयर सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में, एंड वन पेयर इज डिफरेंट होता है किसमें? मेल में। जबकि फीमेल में कैसा होता है? जैसे 22 क्रोमोसोम्स होते हैं सेम टू सेम, वैसे ही 23 जो क्रोमोसोम्स होता है वो भी कैसा होता है? एक्स एक्स होता है। जबकि बात करें मेल की तो मेल में कैसा होता है? जो 23 पेयर्स है वो कैसा होता है? एक्स और वाई होता है। यानी कि वो चेंजेस हो गया, वही क्या कहलाता है? वही लिंग निर्धारण करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। जैसे ह्यूमन मेल में 44A+XY44 ये एक्स है। अब डिपेंड करता है किसका एक्स, अब ये तो एक्स है इसके पीछे से मिलेगा, तो एक्स एक्स यानी कि 22 कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। 22 कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं दोनों में, यानी कि 23 पेयर होते हैं और वही क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। यानी कि 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, क्योंकि ऑटोसोम तो 22 है, और जो ये लेफ्ट बचा वन पेयर यानी 2 क्रोमोसोम जो होते हैं एक्स वाई और एक्स एक्स, ये कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। अब ह्यूमन ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल, अब इसका मेल प्रोड्यूस करेगा 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। आपका स्पर्म 22 कैसे होंगे? ऑटोसोम्स होंगे यानी एक्स एक्स होंगे, और प्लस वाई होगा, वाई मीन्स डिफरेंट होगा। और जबकि 22 सेम फिर ऑटोसोम्स होंगे स्पर्म में, और प्लस एक कैसा होगा? एक्स होगा। अब इसमें से जो ओवम है 22 कैसे होते हैं? सेम होते हैं, ये तो ऑटोसोम्स होते हैं, प्लस क्या होगा? एक्स। अब यदि इसका एक्स मिलेगा इसके एक्स से तो क्या हो जाएगा? फीमेल बन जाएगा। और यदि इसका वाई से मिल जाएगा, वाई और एक्स और वाई का आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा एक्स वाई बन जाएगा, यानी कि मेल। और इसी पर डिपेंड करता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कि बॉयज़ है या गर्ल्स है। तो ये हमारा था सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी क्रोमोसोम्स का जो ऑटोसोम्स से लेफ्ट वन पेयर होता है एक्स वाई, वह डिपेंड करता है कि मेल बायस हो गया गर्ल्स होगी। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन था स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। थैंक यू।